कैसे हो दोस्तों? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब आजकल हो क्या रहा है हमारे स्टूडेंट्स के साथ, और आज का जो है वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज क्या बताने वाला हूँ मैं, बता देता हूँ यार। जो हम क्या करते हैं कि सुबह सुबह जो है स्टूडेंट जो है जल्दी उठना होता है। जो भी बंदा पढ़ाई करता है या फिर जो पढ़ाई नहीं भी करता है, मान लीजिए उसे जल्दी सुबह काम होता है, वो अपने आप को सुबह नींद से उठा नहीं पाता। वाह रे यार, सुबह तो खतरनाक नींद आती है, रात को नींद नहीं आती है और सुबह उठा नहीं जाता है, और बहुत ज्यादा नींद आती है आंखों में। और जब भी हम ये सोच के सोते हैं कि हमें रात को जो है नींद तो नहीं आती और सुबह ज्यादा नींद क्यों आती है, और यदि आप ट्राई करके देख लेना, अभी आप कभी आप रात को जल्दी सो जाओगे तो सुबह जो है लेट ही उठोगे। चाहे कितनी जल्दी सो जाओ या कितनी लेट सो जाओ, आपको सुबह लेट ही उठती हो। आप अलार्म लगा के सो जाते हो, अलार्म बजा यू बंद किया हो गया काम, हम सो गए फिर से। अब समझ में नहीं आता कि करें क्या, हमारा जो पर्सनल है अब क्या करें, हमें सुबह पढ़ाई करनी होती है और भी काम होते हैं, और दिन भर की दिनचर्या में हमें बहुत सारे काम होते हैं। तो आपको क्या करना होगा इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मोटिवेट के साथ साथ कुछ एप्स भी बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप जो है ये सभी काम कर सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए और सभी लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल न्यूडे की जी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो इतना सा बेल आइकन आता है ना, घंटी वाला बटन, उसको जल्दी से दबा लीजिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियोज की जो नोटिफिकेशन अधिसूचना है वो मिलती रहे और आपके फोन की भी घंटी बजती रहे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सुबह उठने की। अब एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमें सुबह जल्दी उठना है, मान लीजिए सुबह 5 बजे हमें उठना है, और उठने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल ही जो सबसे बड़ा फंडा है वर्तमान में वो है अलार्म। अलार्म लगाते हैं अपने फोन में या अपनी घड़ी में, या फिर जो भी आपके पास सिस्टम होगा, बहुत सारे सिस्टम होते हैं उनमें अलार्म लगाते हैं। अब अलार्म लगाते हैं सुबह, इतनी खतरनाक नींद आती है। अब एक्चुअली नींद आती क्यों है सुबह, अब हम सोचते हैं रात को जल्दी सो जाएंगे और हम सुबह जल्दी उठना होता है, तो अब एक्चुअली दिमाग उस चीज पर वर्क करना स्टार्ट कर देता है हमारा माइंड कि हमें सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है। अब इस बात की टेंशन हो जाती है, जैसे हमें सुबह जल्दी उठना है, ये काम करना है, वो काम करना है, सुबह जल्दी उठना है, यहां तक तो दिमाग वर्क कर लेगा, लेकिन आपके दिमाग में टेंशन क्या होगी, सुबह उठ जल्दी उठ के आपको कुछ काम करना हो, जो भी काम आपको पढ़ाई करनी है। अब टेंशन हो गई, अगर सुबह पढ़ाई नहीं हुई तो टीचर डंडे मारेंगे, इस तरह के बहुत सारे काम है जो आपको बहुत ज्यादा जो परेशान कर देते। अब आपके दिमाग में जैसे टेंशन बढ़ गई, टेंशन बढ़ते जो है आपके दिमाग को रिलैक्स चाहिए होता है। अब तो इसीलिए जो है आप सुबह सोते हो, आपके दिमाग की टेंशन दूर करने के चक्कर में जो है आपकी नींद नहीं खुलती है, क्योंकि आपके दिमाग को चाहिए होता है उस वक्त रेस्ट, इसी कारण जो अलार्म से आपकी नींद नहीं खुलती है। और आप क्या करते हो, अलार्म बजा टू टू टू, उसे बंद करके जो है फिर से सो जाते हो। सुबह उठे 8-10 बज गए, 5 हो गई, नींद खुल गई, और इस तरह से आप जो है बहुत सारे एक्शन करते हो, और आप फिर सोचते हो यार क्या खो दिया मैंने, मेरा टाइम जो है बहुत ही पीछे चल गया। अब आप सोचिए जो बंदा 5 बजे उठा था वो आपसे कितने घंटे आगे है, एक दिन में 4 घंटे आगे है, तो एक महीने में कितने घंटे आगे हो जाएगा, और एक साल में कितने घंटे आगे हो जाएगा। और आप जो है कुछ लोग हैं जो जानबूझकर सुबह जल्दी जो सोते रहते हैं, तो भैया जो आ लोगों आपको मैं बता दूं कि ये जो सोने की जो आपकी आदत है कि हमें कोई काम नहीं है, हम जो सुबह लेट तक सोते हैं, तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा खराब है। इससे के लिए क्या है कि आपको मोटापा बढ़ता है, ये यकीन है, तो साइंटिफिक रीजंस आप देख सकते हैं, आपके 10th क्लास तक ही जो है इसमें बता दिए जाते हैं। जो बंदे अभी कहेंगे कि हमने कौन सा साइंस लिख रखी है, हमें क्या पता, तो छोटे छोटे बच्चों को भी बताया जाता है, ये आपके मोटापा बढ़ाता है, आपके जो है हार्ट अटैक वगैरह में जो है प्रॉब्लम आती है वो इससे ही आती है। जो भी बड़े बड़े रोग होते हैं, निद्रा रोग वगैरह, आपने सुना होगा, नींद नहीं आना, 3-3 बजे तक सोते रहना, ये सारे रोग, आंखों के रोग जो भी है वो इन्हीं के कारण होते हैं, आलसी बनाना, और आपने जीवन में जो है बहुत ही नीचे चले जाना। अब बात कर लेते हैं कि करें क्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले विदाउट ऐप के थ्रू ही आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका, यदि आप अपने फोन घड़ी वॉच में अलार्म लगाओ, तो अपने से कम उसे जो है 10-15 फीट या 20 फीट दूर रखिए उस फोन को, और उसकी वॉल्यूम हाई कर दिया था कि आपके कानों को इतना भी दूर मत रखिए कि वो बजता रहे और आपको सुनाई भी नहीं दे, मतलब 15-20 फीट दूर रखिए, ताकि आप जब भी उठे तो उठकर आपको अपने बिस्तर से उठकर ही उसको बंद करना पड़े, ना कि बिस्तर में पड़े पड़े ये वॉच रही था बंद कर दिया, वो आपको नहीं करना है, आपको थोड़ा दूर रखना है, ताकि आप उठकर बंद करें तो तब तक आपकी नींद उड़ चुकी होती है। लेकिन यार मेरे फोन की तो वॉल्यूम ही इतनी है, क्या करूं, वॉच है नहीं,
तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया तरीका है, आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है अलार्मी। अब एक्चुअली इस ऐप में आपको करना क्या होता है, इस ऐप में आपको रात को अलार्म सेट करना होता है, जैसे सिंपली अलार्म सेट करते हैं, उसके बाद में अपने आपको एक हार्ड टास्क देना है, उसमें टास्क होता है कि आप ये प्रोसेस करोगे तभी अलार्म बंद होगा, किसी कंडीशन पर अलार्म बंद नहीं होगा, यदि आप फोन को साइलेंट कर लोगे कुछ भी कर लोगे तो भी अलार्म बंद नहीं होगा, और वो एक मुश्किल से अपने आपको हार्ड टास्क दीजिए यदि आप करना चाहते हो तो, सच में आप यदि करना चाहते हो तो अपने आपको हार्ड टास्क दीजिए, वो अलार्म बजता रहेगा, बार बार बजेगा आपको, जब तक आप वो टास्क पूरा नहीं कर लेते, उस ऐप के थ्रू आप वो टास्क पूरा नहीं कर लेते तब तक वो अलार्म बंद नहीं होगा और आपको जो है जगा कर छोड़ेगा, और जब तक आप वो टास्क पूरा करोगे आपका माइंड जो है वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा उस टास्क के ऊपर। मान लीजिए एक टास्क दे देता है गेम की तरह और आपका जो माइंड है वो उस टास्क के ऊपर जो है वर्क करना स्टार्ट कर देगा, जैसे उस टास्क के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देगा तो आपके माइंड की जो टेंशन गायब हो जाती है, आपकी नींद तो कब की गायब हो जाती है क्योंकि पहले आपको टास्क को कंप्लीट करना है, आपको माइंड काम करने के ऊपर जो है स्टार्ट हो चुका है और जो है अब जो है आपकी नींद तब तक के लिए उड़ चुकी होती है। बहुत ही अच्छा तरीका है आपके लिए और आपके जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें ना करें शेयर जरूर कर दीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे जो परेशान रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, और मैं भी जो है ऐसे तरीकों को जेन्युइन यूज करके देख चुका हूं, ये बेस्ट तरीके होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, दी गई जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूले, और जो दोस्तों अपने दिल की प्यारी बातें भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो भी आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब हमारे वीडियो को प्रमोट करे और आप सभी हमारे साथ जो है आगे बढ़ सके, और हमारे जो फैमिली का भी बढ़ रही है उसके लिए बहुत बहुत आपका एक बार से फिर से धन्यवाद। तो दोस्तों मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।